भाई ये कैसा होटल लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है वो वाला, सही लग रहा है होटल रूम ना। मनाला पावर प्लांट, और ये मनाला पावर प्लांट है, वहाँ पे मैं भी आपको लेके चलूंगा, आपको दिखाऊंगा प्लांट के मजे दिला दूंगा। तो गाइस अभी जा रहे हैं मनाला पावर प्लांट देखने, उसके लिए अलग से रास्ता कटता है लेफ्ट साइड में, मनाला हाइड्रो प्लांट, मनाला हाइड्रो प्लांट। ये आ गए मनाला पावर प्लांट के पास, तो अब यहाँ से चलते हैं, और ये देखो बादल, तो चलते हैं भाई, और आपको ना बैक साइड का व्यू दिखाता हूँ। ये देखो भाई, और इसकी ना आवाज़ सुनो, बस खाली पानी की आवाज़ सुनोगे ना बहुत शांति मिलेगी। मौसी के घर लेके चल रहा हूँ, मौसी के माना जाएंगे भाई, तो इधर करना, इधर कर। अब मानी नहीं तो क्या सर पे चढ़ाऊं, तो रोक देना, खड़ी कर दे। हाँ भाई लगा, लगने लग जा, खड़ी कर दो वहीं पे, आ गया बस कसौल, आ गया भाई, देख रहे हैं कसौल को, हम देखते हैं यहाँ पे जगह खाली होगी तो यहीं पे रुक जाएंगे, क्योंकि तो अच्छा कैंपिंग एरिया है, इसके उस तरफ रिवर भी है काफी अच्छी। चलो आपको हम दिखाते हैं, अभी यहाँ से कार से उतरेंगे, अभी आपको दिखाएंगे आगे। इस गाड़ी इधर पार्क कर दी है और हम आ गए हैं कसौल कैंप्स, क्योंकि हमने सोचा कैंप में रुकेंगे तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। तो ये कुछ टाइप का कैंप है यहाँ पे कुछ, तो यहाँ पे कुछ ऐसे रूम्स हैं और ये थोड़े बड़े रूम्स हैं, तो अभी चेक ही कर रहे हैं कि कौन से रूम लेते हैं। ऑल दो मुझे तो कॉस्टली लग रहा है, तो बट मैं आपको लिमिटेड से ऐसा दिखाऊंगा कि जो बंदे कम पैसा खर्च करके भी यहाँ पर रह सकते हैं। देखता हूँ यहाँ का प्राइस क्या है, इफ़ यहाँ पर रहने का पॉसिबल होगा तो यहाँ रह लेंगे, रूम तो कुछ ज़्यादा बड़े नहीं है, रेट्स ओके ओके। ओरे भाई ये देखो, कैंप से निकलते ही ना, ओहो अरे ब्रो मजे, और यहाँ से रिवर साइड का व्यू। तो यहाँ पे मिनी बार है, कॉपीराइट के चक्कर में मुझे म्यूट करना पड़ेगा, तो इतने सेकंड के बोलता हूँ। तो भाई सोच रहे हैं कि हम कहाँ रहे, और भी हैं साइट्स, तो वहाँ पे भी ऐसे होटल्स बाहर बने हुए हैं भाई। भैया ने बताया भाई मंडे के दिन भी इतने फुल है, कोई जगह ही नहीं बच रही है, अब काफी तो भाई, हो गया, मैं 7 साल बाद यहाँ पे आया हूँ, तो मंडे को आए, मंडे को भी जगह फुल है, तो कोशिश करना, बारिश हो गई ऊपर, कोशिश करना नेट से बुक करके आना। देखो ऐसे दिखा भाई, ये देखो बारिश भी हो गई है, एक रूम ये देखना है अब हम, ये रहा भाई आ जाओ, रूम तो बढ़िया लग रहा है, कैटल भी है, टॉयलेट वॉशरूम भी क्लीन है, ये यहाँ का वॉशरूम है, एंट्री लेते वॉशरूम, सॉरी मैं वॉशरूम भी। अभी भाई से रेट पूछेंगे, दोनों ब्लॉगर वर्किंग हार्ड, नो सब्सक्राइबर गेम, आई डोंट नो। तो हम चार जने हैं, तो भाई कह रहे हैं ऊपर चल लो, अरे भाई चौथे फ्लोर पे गए वाला, एक रूम और देखने जा रहे हैं भाई, भाई सामान लाते लाते ऊपर नीचे करने में हालत खराब हो जाएगी, देखते हैं ये वाला एक, ये चार जनों के लिए है, अरे भाई इसमें तो टब दे रखा है, अरे भाई साहब बालकनी, वही सेम व्यू, इस ऊपर फ्लोर पे आ गए हम, अच्छा ऊपर भी है, ये ड्यूल है, एक ही में दो रूम देखो, ये ऐसा बना हुआ है देखिए, अरे भाई रूम देखो यार, भाई साहब, भाई
ये देखो इस बेड पे ओए हुए, मतलब मैं सुबह उठूंगा और यहाँ पे पैर रखूंगा, और ये देखो भाई फैन, बहुत अच्छा रूम बना हुआ है। ये देखो भाई, लाइटें जला दिया भाई को, तो दो जने यहाँ सोएंगे और दो अपने दोस्त यहाँ सोएंगे। मुझे तो लग रहा है यहाँ कोई सोएगा ही नहीं, सारे यहीं भर जाएंगे। ओ भाई यार, देखो तुमने इतनी वीडियो देखी है तुम्हें ही पता लग गया होगा रूम बहुत महंगा है, तो हम अफोर्ड करेंगे शायद इस वाले को नहीं, बट देखो भाई तो फील ले रहे हैं कि फील तो ले लो कम से कम। भाई और अपनी सनरूफ भाई, हाँ ले ले क्या, चल लो भाई आ जाओ आ जाओ। ये सीढ़ी बहुत पतली है पर उतरने के लिए, दो सोफे, रूम तो बढ़िया है, इसके प्राइस भी वैसे होंगे। और ये रापुन, चलो उसका ये बाथरूम आ गया भाई, मेरे को बाथ टब दे रखा है यार। अरे भाई अंधेरा हो गया क्या भाई, एक और रूम देखना है, रुको बाइक बैक साइड कर दो, कोई नहीं 2014 में ठंड ऐसी लगी फट गई आदमी, रुको भाई तो भाई फुल चेंज कर दिया है। अरे ये सिंगल सिंगल वाला है, दूसरा दिखा दो भाई, दूसरा देख लेते हैं। आओ हम आपको आगे वाला रूम दिखाते हैं, चलो आगे वाला रूम दिखाएंगे भाई हमारे। जमीन आसमान का फर्क है भाई, 8 साल नहीं खोल लेता हूँ क्योंकि आ चुके हैं भाई पहले ही, अपने ही तो फील आएगा। आ जाओ, ये है भाई दूसरा रूम। अच्छा गद्दे नीचे डालेंगे, नहीं दो रूम हो जाएंगे ना। अच्छा अच्छा ये सोफा कम बेड, ये तो सिंगल के लिए हो जाएगा। तो भाई जो अभी रूम दिखाए थे वो दो थे 1100 1100, और सिंगल रूम लेंगे तो 1500। यहाँ पे हमने पार्किंग में गाड़ी लगाई है और रूम ढूंढने ऐसी जगह आए हैं जहाँ पे कोई नहीं आता, वीरानी रात वीराना जंगल, पता नहीं कहाँ रहेंगे आज। तो चलो बैग वैग ले लिया है, चलो भाई तुमने इससे पहले अच्छी अच्छी वीडियो देखी होगी जिसमें अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे रूम दिखाए। एंड में ये देखो फ्लश की आवाज़ हो रहा है, अपने हिसाब से अपने चीजें लेके एडजस्ट करना पड़ा। ये देखो भाई मांगे दाम क्यों किसी को दे भाई, ये रहा भाई अपना रूम, दो इधर दो इधर, ऐसा कुछ नहीं एक और रूम लिया है, दो रूम लिया है। काफी हालत खराब हो गए थे, कोई टूरिस्ट भी नहीं आ रहा था यहाँ पे, इसलिए हम लोकल पीपल है ना उन्हीं के पास होटल्स रहते हैं। आप जब भी आओ लोकल पीपल यहीं पे लो रूम होटल्स के पास, लोकल वाले होटल जो लोकल बंदे खुद के होटल्स में होता है, तो जाना पड़े काम करने। इस रूम में रहने का मतलब हमारा एक था कि जितने लोग हमारी वीडियो देखें वो कम बजट में ट्रेवल करके यहाँ पे रह सके, दैट्स ऑल है ना, और कम बजट में ज्यादा ट्रैवल कर सके, क्योंकि रूम का खर्चा बचा लेंगे तो खाने पीने और चीजों में खर्चा कर सकते हैं लोग। लाइक कर देना। तो भाई ठीक है, मिलते हैं आप कपड़े चेंज करने के बाद, अब आपको मिलेंगे मेन मार्केट में, और वहां पे कैफे कौन सा बढ़िया वो सब बताएंगे, दैट्स ऑल। चलो गाइस रूम से फ्रेश व्रेश होके हो गए हैं, कपड़े चेंज कर, अब आ गए मार्केट, ये जा रही है छोटी स्कॉर्पियो, और हम आ गए मार्केट वाले रोड पे। देखो यो 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 5-4 रुपए दो पैरा मिलिट्री पोस्ट का भाई, ये देखो बैग्स वैग्स मिल रहे हैं यहाँ पे 7-7 भाई, ये जगह जब भी ठीक है कुछ सामान वान घर ले जाने की, जैसे हरे वेरे में सूट वूट लेना ना, जैकेट वैकेट, ये टी शर्ट निकर्स, ये देखो जट प्रोफ जोत वाला टोपा भाई, ये देखो हरम ओम की टी शर्ट, मैं वही कह रहा हूँ जट प्रोफ जोत वाला टोपा भी मिला यहाँ पे। देखो अरे भाई तुम आगे आगे निकल आए, ऐसी चीज दिलवाना ही अच्छी चीज है भाई, यहाँ से शॉपिंग करके जाएंगे भाई, मैं ये ले लूँ खलीफा वाला बड़ी हुआ है। देखो इंडिया में दो ही जगह शॉपिंग करने के लिए, एक गोवा और एक कसोल, क्योंकि बाकी तो सब दिल्ली में मिलता ही है जहाँ से हम आए हैं। तो अभी हम कैफे ढूंढ रहे हैं बढ़िया सा, क्यों सौरभ भाई, और सौरभ भाई के 50 तोला लटक रहा है ये बेसिक, ये देखो ना भाई ये कैफे है गाइस, ये कैफे में चले जा रहा, भाई ने चश्मे लगाए पूछने में चश्मे क्यों लगाए, आप क्या वेगस में हो लास्ट वक्त, आ जाओ गाइस तो हम इसमें जाने वाले हैं अब, क्या करें जाके पंचतारा, दिखाता हूँ ये यहाँ के लोकल मिल गया हमें, कह रहे बचपन है नुबड़ों का कैफे है, नुबड़ों का भाई यहाँ के लोकल है, मैं दिखाता हूँ आओ, चलो चलो। अरे मत कर मत कर भाई, मत करो यार, अभी फ्लाईओवर ही तो गिरा है, वो नहीं गिरेगा ये टूट कर गिर जाएगी या भाई, एक ही इंसान निकलेगा इसमें से छिलछिला के, वो भी लोहे की जो है ना छाती पाती पटकेगी भाई, देखो आ गया। अब यहाँ पे हम हॉन्टेड शो करेंगे, देखते कौन सी चुड़ैल आती है, जासमीन आएगी या फिर अभी अमन भाई हमें खाना खिलाएंगे, अभी नहीं पता भाई ये कैसा होटल लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है वो वाला, सही लग रहा है होटल रूम ना, चलो 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 भाई।
तो यहाँ देखते क्या क्या हो रहा है भाई। ब्राउनिश में हैश डाल रहे, देख रहे हो भाई कितने का ये पर पीस का प्राइस। ये गाना जो बज रहा है ये हमारे लिए बज रहा है, गरीबों के लिए। क्वालिटी की वीडियो बना रहा हूँ मैं। चलो भाई अंदर चलो। तो यहाँ पे गाना वाना भी चल रहा भाई। भाई यहाँ पे कैफे पे आए हैं, बहुत प्यारे प्यारे कैफे हैं। अब आए हैं, एक रेस्टोरेंट ढूंढा है जो हमारे बजट में, और ये आपके बजट में भी आएगा क्योंकि जो हमारे बजट में आ रहा है वो आपके बजट में जरूर आएगा। हाँ मेन्यू दिखाता हूँ, ये मेन्यू है इसका। सैमसंग यूजर आईफोन की वीडियो बना रहे, देखो अटक गया है भाई का फोन। भाई मजाक नहीं भाई, बस नोटिफिकेशन चल रही है। iPhone 14 है, iPhone 14 है बस। देखो देखो सब अटक गया। हैंग बा ये देखो, ये देखो। अरे था बलि। फाइनली भाई अपना खाना आ गया है। भाई चम्मच दिखाओ, पहले एक चीज नापूंगा। भाई जाएगी पूरी अंदर, पहले बाहर से नापूंगा। और अब तो बाहर वाली इतनी अंदर है हमने खाना खाया था ना, पहले उतर जाता हूँ भाई। इतना गोबर खाना कि हमने छोड़ दिया भाई। भाई कैसा लगा तुम्हें खाना? भाई ऐसा मन कर रहा है मैं दोबारा उल्टी कर दूं अब। भाई इतना गोबर खाना, देखो इतना बुरा खाना था, लेकिन भाई मैं नीचे के उसे बुला के लाया था। तो एक रोटी सब खा, इस भाई ने पूरा खत्म करके आया। भाई मैं नहीं जाऊंगा भाई, इस बंदे ने पूरी आखिरी बाइट तक खाया पूरा। अब दाल वाल रेडी करी अपने, और भाई अब हम लग रहा है कि सही खाना खा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे और लोग भी खा रहे हैं जो हमारे देश तो अब हम यहाँ पे ये दाल मखनी और अपनी रोटी इंजॉय करेंगे, और अभी मोमोज और ऑर्डर करें तो वो आ जाएंगे। तो बस वी रेडी टू गो गाइस। प्लेट देख के आपको कोई की याद आई होगी, मुझे याद आ गई भंडारा की। अब भंडारा की प्लेट आ गई, भंडारा खाना शुरू करूंगा गाइस। ये देखो मोमो, ये मोमो में जो पत्ता गोभी की सब्जी घर में नहीं बनती, ये वो डाल रखे वैसे मोमोज है। चलो भाई, तो गाइस अगर आपको कसोल में खाना खाना ना ठीक ठाक प्राइस में अच्छा, तो शंकर ढाबा पे आ जाना। बिल है दाल मखनी, मतलब 330 है, बढ़िया है। ऑल दो यहाँ पे घर जैसा खाना तो यहीं मिलेगा, तो यहाँ पे खा लो। बाहर से थोड़ी सी शक्ल ऐसी लगे, बट अंदर खाना अच्छा है। रोटी तो यहाँ पे सबकी टाइट ही मिलेंगी तुम्हें, ठीक है ना। चाय वाय तो ठीक थी, बट खाने वाने के लिए ये शंकर ढाबा भाई कसोल को नो फोटो। देखो यहाँ पे आर्ट है, यहाँ पे लाइट डिम है, बट ये सब चल रहे हैं। भाई टी शर्ट है 1200 से स्टार्टिंग थी, और पोस्टर्स तो 12000 तक जा रहे थे। भाई वीडियो लेना मना है, और वीडियो लेना मना है। मोदी जी ने मना करा, इधर है उधर कुछ नहीं है, उधर का है भाई। मार्केट में आ गए भाई, एक दुकान बची इसी में देखा। तो भाई अभी तो दुकानें बंद हो रही हैं, अभी दुकानें बंद हो रही हैं सारी, बट मोर 8 बजे खुल जाएंगी, तो जब हम शॉपिंग करेंगे आपको भी दिखाएंगे। और भाई स्टे ट्यून विद अस, और आपको वीडियो बिल्कुल अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट सब कर देना बिल्कुल भर के। और अब चलते हैं, बाय बाय।